मैं हूं शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग लाइफस्टाइल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी वेट लॉस की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी और वो है मखाने का रायता। मखाने का रायता बहुत ही जल्दी और बिना झंझट के मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और साथ ही अगर आप वेट लॉस करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है। तो आइए देखते हैं इसे बना। तो ये रायता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बिना झंझट के ये मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस रायते को बनाने की रेसिपी। मखाने का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए ये सामग्री। यहाँ पर मैंने गाढ़ा दही लिया है, एक कटोरी मैंने मखाना लिया है, ये 50 ग्राम होगा। यहाँ पर मैंने लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, आप इसकी जगह पुदीना भी डाल सकते हैं। यहाँ पर लिया है काला नमक और आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद नमक। तो अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने बाउल में दही लिया है इसे हम फेंट लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं ताकि दही एक सार हो जाए। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद दही एकदम एक जैसा होता है, इसमें कोई गुठली नहीं होती है जैसा कि आप देख सकते हैं। फेंटने की जगह आप दही को छन्नी से छान भी सकते हैं, इससे भी गुठलियाँ चली जाती हैं। और अभी आप देख सकते हैं दही एकदम एक जैसा हो गया है। अगर आप किसी भी चीज़ का रायता बना रहे हैं, चाहे वो लौकी का हो, खीरा का हो या फिर किसी भी चीज़ का, तो इस तरह से दही की गुठलियों को ख़त्म कर दे और एक जैसा कर ले दही को। तो अभी हम सबसे पहले मखाने को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम पैन या कढ़ाई गर्म करेंगे और बिना घी डाले ही हम मखाना डालेंगे कढ़ाई में। मखाने को हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, इससे अच्छा बनकर तैयार होगा हमारा जो रायता है। 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फटी हुई दही में अब हम मखाना डालेंगे। फ्राई किए हुए सारे मखाने को हम दही में डाल देंगे। एक एक करके हम सारे मसाले डाल देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, काला नमक, नमक, और सबको अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले को मखाने में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अभी मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो आप नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो बहुत ही कम समय में हमारा ये मखाने का रायता बनकर के तैयार हो जाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है और ज़्यादा स्वादिष्ट और एनर्जेटिक भी होता है मखाना। तो अभी मैंने इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है और ऊपर से डाला है मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। तो आप भी एक बार इस तरह से मखाने का रायता बना करके जरूर ट्राई करें। मखाने का रायता बनाने के 10-15 मिनट बाद ही सर्व करें ताकि मखाना जो है अच्छी तरह से फूल जाए दही में। अच्छी तरह से दही में भीग जाने के बाद मखाना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगता है और खाने में और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आई होप कि आपको मेरी ये आज के मखाने के रायते की रेसिपी अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो और ऐसे ही और रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।